हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको 5 सिंपल ट्रिक्स बताने वाला हूं, जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के प्रूफ डेट क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। बिकॉज आपने देखा होगा कि एवरी क्वेश्चन में डिफरेंट टेक्निक लगती है जिससे हम उस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज भी आया था कि प्लीज़ सर हमें बताएं कि हम कैसे पहचाने कि इसमें हम कौन सी ट्रिक को अप्लाई करें जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो इसलिए मैं आपके लिए एक सिंपल एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको सारी ट्रिक्स भी बताऊंगा और एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि अगर इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप इसमें ये ट्रिक लगाएं और क्वेश्चन को इजिली सॉल्व करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको अराइज हो सकता है, वो है कि आपको ये पहचानना है कि दोनों टर्म में से आपका कौन सा टर्म आपका कॉमन आ रहा है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर आपको दे रखा है 10x माइनस 10x साइन स्क्वायर एक्स। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें दोनों टर्म में आपका क्या आ रहा है, 10x कॉमन। तो हम क्या करेंगे, इस फैक्टर को कॉमन लेंगे और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, 10x को कॉमन लिया, अंदर आपका क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब जैसे ही मैंने 10x को कॉमन लिया तो यहाँ पर आपका आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो आपके माइंड में सीधा आइडेंटिटी स्ट्राइक कर गई कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के। तो यहाँ पर हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल दी इन टर्म ऑफ कॉस स्क्वायर ए। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट अप करेंगे और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो 10x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और देन फर्दर हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। यहाँ पर आपको बताया कि 10x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस। तो यहाँ पर आपका बन गया साइन बाय कॉस इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। दो ऊपर कॉस है, नीचे आपका एक, तो एक कैंसिल आउट। तो आपका फाइनल आंसर क्या बन गया, साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये आपका फर्स्ट ट्रिक थी कि अगर आपको दो टर्म आपको दे रखी हो तो देन आपने उसमें सिर्फ कॉमन टर्म को पहले कॉमन लेना है, देन उसके बाद क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देना है। तो ये आपकी फर्स्ट ट्रिक है और फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है कि अगर आपको दो टर्म दे रखे हो, दोनों आपके फ्रैक्शन में है और नीचे आपके नंबर ऑफ टर्म आपके क्या है, दो है। तो देन आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर को बाय कॉन्जुगेट। यहाँ पर कॉन्जुगेट का मतलब है कि जो आपको डिनोमिनेटर में टर्म दे रखी होगी जस्ट उसके अपोजिट साइन से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है साइन बाय 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, 1 प्लस कॉस एक्स। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा 1 माइनस कॉस एक्स से, क्योंकि 1 माइनस कॉस एक्स क्या है, जस्ट अपोजिट है 1 प्लस कॉस एक्स से। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ऊपर हम एज इट इज रहने देंगे। तो साइन एक्स ब्रैकेट 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे आपका बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स ब्रैकेट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और एक साइन आपका कैंसिल आउट। तो यहाँ पर आपका बन गया 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। देन हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये आपकी सेकंड नंबर ट्रिक है कि अगर आपको दो टर्म दे रखी हो फ्रैक्शन में, देन डिनोमिनेटर वाली टर्म का आपने क्या करना है, कॉन्जुगेट करना है और उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो ये हो गया हमारा टाइप नंबर 2। थर्ड ट्रिक आपकी ये है कि अगर आपको दो टर्म दे रखे हो देन आपने दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर लेकर उसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे रखे हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। तो यहाँ पर हम साइन एक्स को तो हम चेंज नहीं कर सकते और कॉस एक्स भी हमारी सिंपलेक्स टर्म है, बट आपको पता है कि कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस बाय साइन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बन गया डिनोमिनेटर साइन एक्स, बट यहाँ पर तो है ही नहीं हमारा डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे, दोनों का सेम डिनोमिनेटर बनाने के लिए साइन एक्स से डिवाइड करेंगे और साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपकी टर्म बन जाएगी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स। तो यहाँ पर आपका होल दोनों का कॉमन क्या आ गया, डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर आप लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स। और आपको पता है कि इन दोनों का स्क्वायर का सम कितना होगा, 1। तो 1 बाय साइन एक्स के हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो गया हमारा टाइप नंबर 3 कि अगर आपको दो टर्म दे रखे हो देन आपने दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर बना देना है। टाइप नंबर 4, अगर आपको दो टर्म दे रखी है फ्रैक्शन में बट नीचे फ्रैक्शन में अगर आपके से सिंगल टर्म है। टाइप नंबर 2 में हमारे फ्रैक्शन में क्या थी, नंबर ऑफ टर्म 2 थी, बट यहाँ पर अगर सिंगल टर्म होगी तो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर स्प्लिट कर देना है दो पार्ट्स में।
द स्प्लिट ऑफ ए फ्रैक्शन इनटू टू सेपरेट फ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है कॉस एक्स एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है, तो मैं क्या करूँगा एलसीएम को ब्रेक कर दूंगा, तो कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल आउट, वन माइनस साइन एक्स इंटू वन बाय कॉस एक्स क्या होता है साइन एक्स होता है, तो ये आपका क्या बन गया वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये बन गया हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन। तो यहाँ पर आपने कौन सी ट्रिक लगाई कि अगर आपके डिनोमिनेटर में अगर सिंगल टर्म होगी तो आपने एलसीएम को क्या कर देना है ब्रेक कर देना है और फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। टाइप नंबर 5, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि अगर आपको अगर फर्स्ट 4 ट्रिक आपकी नहीं लग रही तो देन आपने क्या करना है हर एक टर्म को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना है। अगर आपके क्वेश्चन में रेंडमली सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे हुए हैं लाइक वहाँ पर आपका टैन भी यूज़ हो रहा है कॉट भी यूज़ हो रहा है कॉस एक्स सेक्स सब यूज़ हो रहा है देन आपने क्या करना है अगर आपकी फर्स्ट 4 ट्रिक नहीं लग रही देन आपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कन्वर्ट कर देना है इन टर्म ऑफ साइन और कॉस। तो इसके लिए आपको इसका रिलेशन भी पता होना चाहिए कि टैन कॉस एक्स सेक का क्या रिलेशन होता है इन टर्म ऑफ साइन और कॉस, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। टैन को अगर आपको लिखना हो इन टर्म ऑफ साइन तो आप लिख सकते हो साइन बाय कॉस, कॉट को अगर आपको इन टर्म ऑफ साइन कॉस लिखना हो ना तो कॉस बाय साइन, कॉसेक को अगर आपको लिखना हो इन टर्म ऑफ साइन तो हम लिखेंगे वन बाय साइन, और सेक को अगर लिखना हो तो हम लिखेंगे वन बाय कॉस। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका ट्रिक है कि अगर आपके क्वेश्चन में कोई टेक्निक नहीं लग रही देन आपने क्या कर देना है हर एक टर्म को साइन और कॉस कन्वर्ट कर देना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो ये थी आपकी 5 सिंपल ट्रिक्स जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करी विद एग्जांपल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फर्दर वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके जोड़ रखें क्योंकि हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में।